आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में एक बार फिर फंसे लिफ्ट टू लिफ्ट में 20 मिनट तक फंसी रही महिला। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक कार में लगी आग, आग लगने से कार जलकर खाक। हरदोई में आरोपी को पुलिस ने पैर में मारी गोली, खबर सुनकर पिता की हार्ट अटैक से मौत। रायबरेली में दबंग दारोगा ने युवक को पीटा, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। फरुखाबाद में फांसी के फंदे पर झूला युवक, पुलिस ने रक्षक बनकर बचाई जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके साथ ही केसरिया ध्वज फहराया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद लोगों को अनुशासन सिखा है, पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ चुका है। यहां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जिस देश में ब्रिटेन ने भारत पर 200 सालों तक राज किया था, आज उसे पछाड़कर भारत अर्थव्यवस्था में आगे निकल चुका है। यह भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा आज इसका प्रमाण है कि अगर हम चाहें तो अपने देश को और अपने समाज को कहां से कहां तक की यात्रा पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के उन 20 बड़े देशों का, जिनका दुनिया की 80% संसाधनों पर अधिकार है, G20 के देशों का नेतृत्व का अगले एक वर्ष का दायित्व उन्होंने संभाला है। ये वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का और भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में अब दुनिया को भी मार्गदर्शन करेगा, उस भूमिका के रूप में आज भारत दिखाई दे रहा है। लखनऊ नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी होने के बाद मौजूदा पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। इसी क्रम शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड की पार्षद अपने क्षेत्र के अलकापुरी कॉलोनी में ताबड़तोड़ 8 जर्जर रोडों का शिलान्यास किया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सालों से यह रोड जर्जर पड़ी थी, जिसके लिए पार्षद महोदया को बार बार पत्र भेजा जा रहा था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। मौजूदा पार्षद अनिता पॉल ने क्षेत्र के समाज सेवी विवेक शर्मा से नारियल तोड़कर रोड कार्य का शिलान्यास कराया। का पूर्वा द्वितीय वार्ड है और आप पार्षद जी ने बहुत काम करा है यहाँ पे, और ये अभी जो खराब सड़कें हैं इसमें 9 सड़कें शिलान्यास किया है इन्होंने, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या थी। आप देख रहे हैं कितनी गंदगी और कितना हो गया था, जो रोड डैमेज हो गई थी। इनके प्रयासों से, हम लोगों के प्रयासों से हम लोगों ने मांग की थी, आज बनवा रहे हैं ये, और उम्मीद है इससे ज़्यादा काम और होंगे हमारे क्षेत्र में। और बहुत ज़्यादा काम किया है पहले भी इन्होंने, हमेशा इस क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं आप। इनके पति देव भी पार्षद रहे हैं और आप भी रही हैं, और बहुत अच्छा काम किया है। ये 3-4 साल बाद हल हो रही है, पता नहीं क्या परेशानी थी यहाँ। वैसे इससे पहले वो रामूपाल जी, उन्होंने पूरा कराया था हम लोगों को उधर की तरफ ले, जब भी कोई बात हुई, ज़रा भी शिकायत किया, फौरन हल हुई। और एक तरह से समझिए कि हम लोग पूरी उसमें एक तरह से, जिससे रिजर्वेशन होता है, रिजर्व रहे हैं पाल के लिए, और हमेशा उन लोगों ने किया, उन लोग मैंने हमेशा, कोई भी परेशानी हुई, किसी चीज़ की परेशानी हुई, पानी वाला हुआ तो वो लगवा दिया, सबके घर में बिना किसी पैसे के वो लगवा दिया, सीवर का वो मामला हुआ वो करा दिया।
जैसे सूची जारी की गई है आरक्षण की, उसके बाद से सभी नेता अपने क्षेत्रों में जुट गए हैं। तो इस क्रम में हम लखनऊ के शंकर पुरुआ द्वितीय वार्ड में पहुंचे हैं। यहाँ की पार्षद मौजूदा पार्षद मौजूद है और उन्होंने यहाँ पर करीब 9 रोडों का शिलान्यास किया है। जो खराब रोड थी, जिन पर नालियाँ नहीं बनी हुई थी, जिनमें जल भराव होता था, उसके लिए इन्हें यहाँ पर लोगों ने समस्याओं से अवगत कराया था, जिसको देखते हुए इन्होंने यहाँ पर रोड का शिलान्यास किया है। और शिलान्यास करने के बाद अब ये यहाँ के लोगों को आश्वस्त किया गया है कि अब ये रोड जल्द से जल्द 2 या 3 दिन में काम शुरू कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ क्षेत्र के निवासी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके का यहाँ पर समस्या थी अभी तक और कैसे अब सुचारू रूप से यहाँ पे काम किया जा रहा है और कौन से पार्षद हैं, कौन सा आपका क्षेत्र लगता है, किस तरह का यहाँ पर सुविधाएँ हो रही हैं। हमारे यहाँ से ये देखिए, इस समय वर्तमान समय में ये पार्षद रहे हैं अनीता जी, और इससे पहले इनके पूर्व इनके पति थे। काफ़ी दिनों से ये लोग दोनों लोग सभासद रहे हैं और बहुत अच्छा काम कराया है। बहुत सारी रोडें बन गई हैं, लेकिन कुछ रोडें रह गई थी जिनकी वजह से पतली पतली गलियों में जल भराव रहता था और उससे हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और आज इन्होंने उद्घाटन किया है, हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी काम करा के इन समस्याओं से हमें निजात दिलाएंगी। हम लोगों को बहुत सारी इनसे उम्मीदें हैं और उस पर काफ़ी उम्मीदों पर खरी उतरी हैं और आगे भी हम लोग इनसे यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा काम करें। हम लोगों को पास क्या लगता है कि गाँव जब आता है तभी आपके घर में पार्षद आते हैं? ऐसा नहीं है, हमेशा से इनका पारिवारिक संबंध रहा है। किसी भी सब मौके पे उन्होंने उनको बुलाया गया है, वो उपस्थित हुई है और कोई चुनावी दौर नहीं है, लेकिन थोड़ा चुनाव में रफ्तार तेज रहती है। चुनाव में रफ्तार तेज रहती है क्या कहना है? और अब हम यहाँ पे जो मौजूदा पार्षद है उनसे बात करेंगे कि अब चुनाव नजदीक आ गया है और चुनाव नजदीक आने के बाद जो पार्षद हैं वो घर से निकल रहे हैं, अभी तक इन रोडों का आप लोगों ने ध्यान नहीं किया, अब अचानक से शिलान्यास हो रहे हैं, चुनाव नजदीक है, तो क्या कहेंगे इस पर? इसके पहले भी कहाँ कहाँ आपने कार्य किया और आज किन रोडों का शिलान्यास किया? कार तो हमने बहुत ये कराए, लेकिन फैले गई, जब फैले हमारी फाइनल होकर आई तभी हम कार तो ये पार्षद हैं मौजूदा है, इन्होंने कहा कि फाइलें हमने कई बार भेजी थी, लेकिन फाइलें जब संस्तुति कर दी जाती है, वहाँ पास होती हैं, तभी उसके बाद आगे कार्य हो पाता है। फिलहाल अभी यहाँ पर 8 रोडों का शिलान्यास कर दिया गया है, वो रोड जल्द से जल्द बनेंगी, जिससे कम से कम 500 से 700 घरों को एक आने जाने का रास्ता मिलेगा। और इस तरीके से ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये बहुत बृहद रूप से हो रहा है। तो शंकर पुरुआ द्वितीय वार्ड का जो कार्यक्रम है आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर रोड का शिलान्यास हो चुका है, अब आने वाले समय में इस रोड की जनता खुशहाली से रह सकेगी और रोड में जो गंदगियाँ रहती थी गंदगियाँ कहीं ना कहीं दूर होंगी। हमारे साथ एक वरिष्ठ समाज सेवी से बात करेंगे, अभी इन्होंने भी नारियल तोड़ा है रोड का, तो आप पहले यहाँ से निवासी रहे तो आपने किस तरीके का प्रयास किया? पार्षद जी ने मेरे को बताया कि यहाँ के कार्य नहीं हो रहे हैं, नगर आयुक्त महोदय के यहाँ फाइलें फंसी हुई हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों रोडों की फाइलों के लिए मैंने प्रयास किया था कि जल्द से जल्द काम चालू हो। और इसके लिए मैंने बार बार नगर आयुक्त को भी बोला और जो यहाँ के क्षेत्र के जोन 7 के अधिकारी हैं उन लोगों से भी मैंने कहा, और बाकी जो हमारे प्रयास जो किए गए हैं, जो फाइल बनने से लेके नपाई से लेके जो लोग यहाँ पर परेशान थे, बार बार ये समस्या उठा रहे थे अनीता पाल जी, यहाँ अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। हमें ये समझ में नहीं आता कि अगर दूसरे पार्टी का कोई अगर प्रत्याशी या कोई भी यहाँ पर पार्षद चुना जाता है तो उसके कार्य क्यों नहीं होते, क्यों काम रोक दिया जाता है, सरकार की मंशा क्या है? भाई पार्षद तो सभी के लिए बराबर हैं, काम तो सभी के लिए होने चाहिए, सरकार के लिए पूरी जितने भी जनता है वो सब एक होनी चाहिए, लेकिन हम मेरे को जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि अधिकारी गण कहीं ना कहीं पार्षदों के चुनाव को लेकर भी कि ये देखते हैं कि कौन सत्ता पक्ष का है कौन विपक्ष का है। विपक्ष वाले जितने भी हमारे पार्षद महोदय हैं वो बड़ा प्रताड़ित हैं और इस समय पर बड़े समस्याग्रस्त हैं, बार बार समाज सेवियों को आगे बढ़कर ये काम कराना पड़ रहा है, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? क्योंकि मेरी केवल एक अपील है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि कम से कम इस तरीके का कार्य न करें, व्यवहार जो इस तरीके से हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष का पार्षद है केवल उसका काम होगा और विपक्ष पार्टियों का नहीं होगा, ये बहुत गलत है। इस तरीके के कार्य नहीं होने चाहिए, सबके कार्य एक समान होने चाहिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी और कार्य हो आगे जो नगर निकाय चुनाव में जो भी पार्षद जीते सभी के क्षेत्र के कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और कोई समस्याग्रस्त ना हो।
तो अभी आपने देखा कि इस रोड के शिलान्यास के लिए सभी यहाँ के निवासीगण मौजूद थे। यहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने ये बताया कि विपक्ष पार्टी होने के कारण अभी तक यहाँ पर जो विकास का कार्य रुका हुआ था, लेकिन उसको परसों करने के बाद विकास कार्य में तेजी लाई गई है, जिसके अंतर्गत आठ रोडों पर इंटरलॉकिंग लगाने के लिए कवायद तेज कर दी गई है यहाँ शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड से। तो अब आगे आने वाले समय में यहाँ के लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार दो कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में महिला समेत चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित दो लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायबरेली में विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली विभाग के कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के दफ्तर के सामने धरना दिया। आपको बता दें कि विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा लगातार चार दिनों से धरना दिया जा रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। जो भी उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं सबको लेकर आवाज उठाई गई है। वहीं विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने और मांग उठाई है कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए और बिजली विभाग के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। क्या है, आप लोग इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, किस बात को लेकर ये जो नारेबाजी हो रही थी, किस बात को लेकर? हम लोग राज्य विद्युत परिषद के कर्मचारी हैं सभी लोग, और इसमें सारे अधिकारी और कर्मचारी सभी लोग शामिल हैं। चूँकि हम लोग, हमारे जो शीर्ष प्रबंधन है, खास करके हमारे चेयरमैन साहब, उनका रवैया इतना स्वेच्छाकारी हो गया है कि उनके लिए न तो नियम कोई कानून, न सरकार, न कोई किसी की कोई चिंता नहीं है। जिसको जब चाहते हैं सस्पेंड कर देते हैं, जिसको जब चाहते हैं टर्मिनेट कर देते हैं, अव्यवहारिक लक्ष्य देते हैं, संसाधन कोई देते नहीं है। हम लोगों का ये कार्य बहिष्कार का प्रोग्राम जो है लगभग 29 नवम्बर से चल रहा है। हमारी कुछ मांगे हैं, जो हमारा मैनेजमेंट है उसकी कुछ दमनात्मक और स्वेच्छाचारी कुछ नीतियाँ हैं, जिसके अनुसार हम लोगों को वर्तमान समय में कार्य करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और अव्यवहारिक हमें लक्ष्य दिया जाता है। भाई, हमारे पास कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, सांस नहीं ले रहे होते साथियों, ये सब जो है हमारी एकता के बल पे ही संभव है। और साथ ही सबसे पहले आज एक दुखद सूचना है जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। हमारे बीच के एक अधिशासी अभियंता है, सरकार भले ही पुलिस को जनता के प्रति मृत्युवत व्यवहार करने का लगातार निर्देश देती हो, किंतु अगर बात रायबरेली के बछरावा थाना की करें तो यहां वर्दी की हनक में एक दरोगा आए दिन लोगों को गालियां देने के साथ तमाचा मारते नजर आते हैं। शनिवार को हड़कंप उस समय मचा जब दरोगा के पिटाई से आहत एक युवक SP कार्यालय पहुंचकर गालीबाज दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगा। मामला ये है कि 29 तारीख को शाम 6:30 बजे के आसपास मैं थाने पहुंचा बछवाड़ा, और मतलब मेरे परिवार में दो आपस में लड़के थे, वो बहस किए गाली गलौज के। 10 बजे के आसपास मुझे पीछे आए 6:30 के आसपास, मुझे जब पता चला मैं थाने पहुंचा, दोनों पक्षों से मतलब बात की, थोड़ा समझौता के लिए राजी हो गए। फिर उसके बाद मैंने ग्राम प्रधान से बात की, प्रधान से बात करने के बाद उन्होंने यही कहा कि जो भी मतलब मौजूद में दरोगा जी है उनसे मेरी बात करवा दो, मैं छुड़वा दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। रायबरेली में देर रात को संदिग्ध परिस्थितियों में कार में आग लग गई। आग लगने से कार धू धू कर जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये घटना शहर क्षेत्र के वैदिक इंटर कॉलेज के सामने की है। एक बार फिर उजागर हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण की करतूत। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम के सेक्टर जे में बनाए गए सृष्टि अपार्टमेंट में फिर से लिफ्ट फंस गई। लिफ्ट में फंसी महिला ने अपार्टमेंट के निवासियों को लिफ्ट में फंसे होने की जानकारी दी, जिसके बाद रेजिडेंट एसोसिएशन के सदस्य विवेक शर्मा तथा सुपरवाइजर ने महिला को सकुशल बाहर निकाला। खबर
खबर लखनऊ से है, जहां भदोही पुलिस जेल में बंद बाहुबली माफिया विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा के नाम पर खरीदे गए फ्लैट की जब्तीकरण की कार्रवाई करने पहुंची। विजय मिश्रा पर हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, मारपीट, संपत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी वसूली समेत तमाम गंभीर आरोपों में 83 मुकदमे दर्ज है। हरदोई में 11 दिन से लापता एक युवती का शव गन्ने के खेत में मिला। युवती घर से मजार जाने के लिए कहकर निकली थी, वापस न लौटने पर परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर युवती के शव को गन्ने के खेत से बाहर निकलवाया। इसके बाद पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक आरोपी के पैर में गोली मार दी। आरोपी के पिता को गोली लगने की खबर से हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। लगभग 10 से 11 दिन पूर्व ग्राम टुमुरकी की एक युवती को गायब हो गई थी, जिसके संबंध में परिजनों द्वारा दिनांक 30 तारीख को 1 तारीख को पुलिस को सूचना दी गई कि वह उस लड़की को उसके पास के गांव के व्यक्ति द्वारा मेला फुसला करके ले आया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि जिसको नामजद किया गया है वो ट्रैक्टर का ड्राइवर था और वो देर रात्रि में कहीं से लौट रहा था 22 तारीख को ही, जहाँ पर उसको ये लड़की मिली। उसने अपने मालिक को सूचना दिया, जिस पर उसके मालिक ने उसे अपने साथ लाने के लिए कहा और उसे लेकर के उस युवती को लेकर के एक खेत में गया और जहाँ से निकल के उसने बताया कि ये लड़की मर गई है। दोनों लोगों ने, जो मालिक है और जो उसका ड्राइवर है, दोनों ने मिलकर। खबर फरुखाबाद से है, जहां एक युवक ने फांसी लगा ली। युवक के फांसी लगाने की जानकारी मिलते ही परिजनों ने आनन फानन में डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गेट को तोड़ युवक को फांसी के फंदे से नीचे उतारा। जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कर युवक को प्राथमिक उपचार दिया गया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया से हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस कर्मियों के इस सराहनीय कार्य की उच्च अधिकारियों समेत जनपद वासियों द्वारा प्रशंसा भी की जा रही है। पुलिस के द्वारा लाया गया थाना कमालगंज की पुलिस के द्वारा एक लड़का था जिसको फांसी लगाया हुआ था और स्थिति उसकी काफ़ी क्रिटिकल थी, गंभीर थी। सैचुरेशन ठीक जा रहा था लेकिन गंभीर स्थिति थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी स्पाइन में इंजरी हुई है। उसको तत्काल उसको हमने फर्स्ट एड दे के और जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। लड़के का क्या नाम है? उसका नाम रितेश है, यहीं कमालगंज का रहने वाला। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।